बात करेंगे राजधानी दून की, जहां पर बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में संतोष नागपाल ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी 76वें दशहरे मेले का आयोजन 24 अक्टूबर को परेड ग्राउंड में किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल होंगे। वहीं दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष संतोष नागपाल ने कहा कि बुराई पर अच्छाई की विजय का ये पर्व दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। इस बार भी सबसे ऊंचा रावण हमारे देहरादून का है, जो एक इतिहास रचेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक हमारा दशहरा महोत्सव पिछले 75 सालों से हमारी बन्नू बिरादरी दशहरा कमेटी मनाती आ रही है, जिसमें हमें हमारे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय सेठ लक्ष्मण दास बिरमानी जी का आशीर्वाद मिलता रहा है। अब उनके पुत्र श्री हरीश बिरमानी जी का आशीर्वाद मिला है और ये प्रोग्राम हम करते आ रहे हैं। इस बार का प्रोग्राम बहुत भव्य होने जा रहा है। इस बार ऑल ओवर इंडिया सबसे टॉलेस्ट रावण हमारे देहरादून उत्तराखंड का है। ये एक इतिहास बनेगा और ऐतिहासिक दशहरा कहलाएगा यहाँ का। परेड ग्राउंड का सौंदर्यकरण हुआ है और उसमें बहुत ही अच्छा घास भी लगी है और भी काफ़ी अच्छे काम हुए हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ने कहा था कि इस घास जलेगी अगर दशहरा दहन आप करते हैं, क्योंकि कोरोना काल में भी क्योंकि प्रथा को तो बनाए रखना हमारा दायित्व बनता है, जो पूर्वजों ने हमको विरासत के रूप में दी है उसको बनाने के लिए मैं संतोष भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि कोरोना काल में भी दशहरे का दहन किया गया, दशहरे रावण का दहन हुआ है। और कुल मिलाकर के जिस तरह से जो है बन्नू स्कूल में उस समय किया गया था, किंतु उसके बाद फिर परेड ग्राउंड में ऐतिहासिक समय से ये चलता आ रहा है।